11 साल की मासूम नाबालिग बच्ची को बहला फुसलाकर अपहरण के मामले में पुलिस ने लिस्टेड बदमाश को गिरफ्तार किया है। पुलिस को दिया था खुला चैलेंज, कहा था सोशल मीडिया पर कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, कहकर पुलिस को दी थी चुनौती। आरोपी से युवती बनकर व्हाट्सएप पर चैट कर पुलिस ने जाल बिछाया, घेराबंदी कर किया गिरफ्तार। बता दें आरोपी पर 25 आपराधिक मामले हैं दर्ज। मामला विजयनगर थाना क्षेत्र के रेडिसन चौराहे के पास का है, जहां एक नाबालिग बच्ची को बहला फुसलाकर मेला दिखाने के बहाने अपहरण करने के मामले में पुलिस द्वारा प्रकरण दर्ज कर आरोपी की तलाश की जा रही थी। बता दें पुलिस को मिले सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान शैलेंद्र उर्फ कन्नू सोलंकी के रूप में की गई है। आरोपी के खिलाफ उज्जैन, देवास, इंदौर सहित 25 से अधिक अपराध दर्ज हैं। कई आपराधिक मामलों में पुलिस लंबे समय से अपराधी को ढूंढ रही थी। वहीं लिस्टेड बदमाश शैलेंद्र पुलिस को चुनौती दे रहा था कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। पुलिस ने सोशल मीडिया अकाउंट पर युवती बनकर जाल बिछाया और आरोपी को देवास के पास से गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह युवती का अपहरण कर उसके साथ एक घिनौनी वारदात को अंजाम देने वाला था, जहां बच्ची की सूझबूझ के बाद वह आरोपी के चुंगल से छूटकर थाने पहुंची और पूरी घटना बताई। आरोपी आदतन अपराधी है, हत्या लूट सहित कई गंभीर अपराध दर्ज हैं। वहीं आरोपी शैलेंद्र सोलंकी को देवास पुलिस स्थायी वारंट मामले में तलाश कर रही थी। पुलिस ने थाना क्षेत्र को आरोपी की जानकारी दी थी। वहीं अन्य और भी घटनाओं और वारदातों के बारे में आरोपी से पूछताछ की जा रही है। 18 तारीख को एक नाबालिग बच्ची के द्वारा शिकायत की गई थी कि एक आरोपी के द्वारा उसको ऑटो में बिठा के अपहरण की कोशिश की थी, और उस आरोपी का फुटेज हमारे द्वारा डेवलप किया गया था और उसका देवास का शैलेंद्र सोलंकी नाम का व्यक्ति ये पता चला था। हमने और भी डिटेल निकाली तो वहाँ का ये HS है, 12 अपराध पंजीबद्ध थे, यहाँ भी हत्या में फरार हुआ था, फिर बाद में जेल से जाके छूटा था। उस आरोपी के द्वारा लगातार फरारगी के दौरान हुलिया चेंज कर लिया जाता था, उसकी जो लाल रंग की शर्ट थी पहचान की, वो शर्ट उसके द्वारा जला दी गई थी। उस पर जब घेराबंदी करके हमारी टीम के द्वारा पकड़ा गया तो उस पर एक चाकू बरामद हुआ है। आरोपी को हमारे द्वारा पकड़ लिया गया है। ये कहीं बाहर साउथ में फरार होने की ट्रक पे जाने की फिराक में था। समय रहते आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसको कल हम GR पर पेश करेंगे। उसके द्वारा ये बताया गया था कि बच्ची से उसके द्वारा बातचीत करके यहाँ मेले में ले जाने के लिए उसको बेला फुसला रहा था, लेकिन उसके द्वारा बच्ची के द्वारा मना करके और ऑटो से उतर गई और फिर सीधे मंदिर पर पहुंच गई, जहां से उसके द्वारा हमारे यहां आके रिपोर्ट की गई थी। आरोपी बहुत खतरनाक किस्म का है, इस पर लगभग 20 अपराध इंदौर में, देवास में, उज्जैन में पंजीबद्ध हैं और देवास से स्थायी वारंट में फरार चल रहा है। इसी उज्जैन और देवास को भी तलाश थी। आरोपी को हमारे द्वारा गिरफ्तार किया गया है।